हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक की समस्या से कैसे निजात पाई जाए, और ये बहुत ही आसान नुस्खा है दोस्तों, लेकिन इसकी वजह से हर दिन ब दिन बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन इसका इलाज आप घर पर कर सकते हो और बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री में है, वो हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उसको बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आपने आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में जो बटन है उस पर ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी सभी बीमारियों की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों हम बात करने वाले थे हार्ट अटैक की, जिसको हम दिल का दौरा भी बोलते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हार्ट अटैक को पहले समझ लेते हैं, हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक होता है दोस्तों बहुत से कारणों से ही होता है। सबसे मेन जो इसका कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में बढ़ जाना, जिसको हम वसा बोलते हैं, घी बोलते हैं, जिसको हम वसा का हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाना, अलग अलग चीजों को अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम का हमारे शरीर में सिक्रेशन होता है दोस्तों, जिसमें से वसा को पचाने का एक एंजाइम होता है। जब हम वसा का ग्रहण करते हैं तो वो एंजाइम जिसके अंदर बनना कम हो जाता है, उसका सिक्रेशन होना कम हो जाता है, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो ब्लड में सप्लाई हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो ब्लड की जो नसें होती हैं, जो वेन होती हैं, उन वेन्स के चारों तरफ हो उनके क्रिस्टल, वसा के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, और जो खून का सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो बिल्कुल मंदा हो जाता है, बिल्कुल स्लोली स्लोली हो जाता है, जिसके कारण हमारा हार्ट है जो वो अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता ब्लड को, और हार्ट अटैक का दिल का दौरा पड़ जाता है। इसका सबसे मेन कारण है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेते हैं तो 90% हम हार्ट अटैक की समस्या निजात पा सकते हैं। और इससे इसका एक और कारण है ब्लड प्रेशर का हाई रहना या फिर ब्लड प्रेशर का लो रहना, अगर हम उसको भी मेंटेन रखते हैं तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या दोस्तों, वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ लिख दिया, आप वहां से भी देख सकते हो। इसका इलाज हमारे घर पर है, और वो इलाज क्या है दोस्तों, आपने एक अर्जुन का पेड़ होता है, सभी ने सुना भी होगा, शहर में मिल जाएगा, गांव में भी मिल जाएगा, कहीं पर भी नहीं मिलता तो आप ये जो पंसारी की दुकान होती है वहां पर उसको जाकर उसकी छाल ला सकते हो। हमें बस उसकी छाल की जरूरत है, जो उसकी ऊपर वाली चमड़ी होती है, हमें उसकी बस उसकी जरूरत है। तो हमें करना क्या, अगर ताजा मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं। अगर किसी को ये फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास ये नहीं मिलता, किसी गांव में नहीं है, किसी शहर में नहीं है, तो पंसारी की दुकान पर जाइए या फिर किसी परचून की दुकान पर जाइए, जहां पर हम रोजमर्रा की जिंदगी का सामान लाते हैं, रसोई का सामान लाते हैं, उसकी दुकान पर जाइए और आप उसको बोल दो कि अर्जुन के पेड़ की छाल दीजिए। तो आपने करना क्या है, अर्जुन के पेड़ की छाल लीजिए और उस छाल को आप जैसे कि चार पीस जो उसके होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ऐसे चार पीस आपने शाम को पानी में, बिल्कुल ताजे पानी में भिगोकर रख देने हैं, शाम को रखने हैं दोस्तों, और फिर सुबह उठ के उसको उसी पानी को 2 गिलास पानी में आपने वो भिगोकर रखने हैं, फिर उसी पानी को उस छाल को उसमें पड़े रहने देना है और उसको आपने गर्म करना है, उबालना है, जब तक वो पानी 1 गिलास नहीं रह जाता, भाप बनकर सारा उड़ जाएगा, 1 गिलास पानी रह जाएगा। उस 1 गिलास पानी का सेवन आप अच्छी तरह से सुबह खाली पेट कीजिए तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपके बाल भी काले होने लग जाएंगे, बाथरूम की दिक्कत होगी वो भी ठीक हो जाएगी, एलर्जी भी नहीं रहेगी, और हार्ट की तो ये रामबाण दवाई है दोस्तों, अर्जुन के पेड़ की छाल आप लीजिए, और जैसा कि हमने तरीका बताया, शाम को भिगोकर रख दीजिए, सुबह उस पानी को उबालिए, 1 गिलास रह जाए तब आप उसको पीजिए। पीने के बाद आपका ब्लड उसका जो सर्कुलेशन, आप लगातार इसको 2 महीने 20 दिन तक जितना भी आपसे किया जाए उतना कीजिए। अगर किसी को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है, टेस्ट करवाया आपने तो ज्यादा बढ़ा हुआ, तो उसको उसी हिसाब से उसी को देखते हुए आप उतने ही दिन पीजिए जितने दिन आपका ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। अगर ज्यादा है तो 1 महीना 20 दिन 45 दिन आप पी सकते, इसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको बहुत दिनों तक इसका सेवन कर सकते हो, कोई भी आपकी बॉडी में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे बहुत अच्छा आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपकी जड़ से समस्या खत्म हो जाएगी हार्ट अटैक की। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति भी इसको पीता तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2 दोस्तों, आप नित्य व्यायाम कीजिए, कम से कम 15 मिनट तो आप व्यायाम कीजिए ही कीजिए, अपनी बॉडी को हिलाइए डुलाइए, सुबह हर रोज 1-2 किलोमीटर घूम के आइए, चाहे
चलने में थोड़ा सक्षम है तो आराम से जाइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी जंक फूड का यूज मत खाइए, जंक फूड को आप अपने अंदर मत ले जाने दीजिए, मत खाइए, उसका आपको परहेज करना होगा। चिकनाई युक्त जो भी चीजें हैं उसका आपको परहेज करना होगा। आपने कॉफी पीनी होगी, ग्रीन टी बेशक आप पी सकते हो, और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, अपने माइंड से टेंशन को निकाल कर फेंक देना, क्योंकि 50% टेंशन भी इसका कारण है। ज्यादा मोटा नहीं होना, क्योंकि ज्यादा मोटा होने के कारण हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और उसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उससे भी दिल का दौरा पड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अपने शरीर को मतलब मेंटेन रखिए, आप मेरी तरह सॉरी वो ऐसे बोल रहे थे, तो मेंटेन रखिए, तो आप ऐसे ही रहिए, दुबले पतले ही सही लेकिन आप अपनी जान को बचाए रख सकते हैं। आजकल ज्यादा जितने मोटे व्यक्ति हैं उनको ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो आप ऐसा करके अपने हार्ट को फेल होने से बचा सकते हो। ये बहुत ही आसान सी टिप्स है, और एक ही टिप्स है दोस्तों, आप दिन में 8 घंटे तो, या दिन में रात में मिलाकर आप 8 घंटे तो आपको जरूर सोना ही सोना है, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपको ये दिक्कत नहीं आता, आप वीडियो देखकर नहीं देखे, आपको फिर भी देखनी चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस भाई बहन रिश्तेदार अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, वैसे भी आप उनको बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। आप वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए, वीडियो पहुंच जाए, और अपना ट्रीटमेंट वो आसानी से कर सके। क्योंकि दोस्तों हार्ट के मरीज बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं इधर उधर डॉक्टरों के पास, फिर भी उनको निराशा हाथ लगती है। ये ऐसी टिप्स है दोस्तों, आप एक बार इसका यूज करके देखिए, आपके शरीर में स्फूर्ति भरा शरीर हो जाएगा, आपका माइंड बहुत तेज चलने लगेगा, छोटी मोटी और भी प्रॉब्लम होंगी वो भी आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट अपने घर पर बैठकर कर सको। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, अब मैं विदा चाहता हूं, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वीडियो देखने, अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।